आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिनेमन बन की रेसिपी। आप इसके लिए अज्जा नोट कीजिए, खमीर 3/4 चाय के चम्मच, गरम पानी 1 खाने का चम्मच, मैदा 1 कप, चीनी 2 खाने के चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, ठंडा मक्खन या मार्जरीन 3 खाने के चम्मच, गरम दूध 1/4 कप, अंडे की जर्दी 1 अदद, ब्राउन शुगर 2 खाने के चम्मच, दालचीनी 1/4 चाय का चम्मच पिसी हुई, चॉकलेट 1/3 कप, ग्लेज बनाने के लिए आइसिंग शुगर 1/3 कप, मक्खन 1/2 खाने का चम्मच, वनीला एक्सट्रैक्ट 1/4 चाय का चम्मच और दूध थोड़ा सा। सिनेमन बनाने की तरकीब नोट कीजिए। एक छोटा प्याला लें, इसमें गरम पानी और खमीर को घोल लें। एक दूसरे प्याले में मैदा, 1 खाने का चम्मच चीनी और नमक डालकर मिला लें। अब इसमें 2 खाने के चम्मच पिघला हुआ मक्खन डालकर मिलाएं, अंडे की जर्दी और खमीर डालकर मिला दें। प्याले को एक प्लास्टिक से कवर कर दें और डो को रात भर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसको निकाल लें और मार्बल पर रख कर थोड़ा सा मैदा छिड़क दें। डो को 10 इंच और 6 इंच की चौड़ाई में बेल लें। अब एक पैन में बचा हुआ मक्खन निकाल कर पिघला लें और डो के किनारे पर 1/2 इंच तक ब्रश कर लें। दालचीनी और बाकी बची हुई चीनी मिला लें। अब इसको डो के ऊपर छिड़क दें और साथ ही चॉकलेट चिप भी छिड़क दें। फिर इसे रोल कर लें और इसके किनारों को बंद कर और 1 इंच के टुकड़ों में काट लें। कटे हुए टुकड़ों को चिकनी की हुई 8 इंच की चकोर बैटी ट्रे में रख दें। ख्याल रहे कि कटी हुई साइड नीचे की तरफ रहे। अब इसको कवर करके किसी गर्म जगह पर 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। ओवन को 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। फिर बेकिंग ट्रे को 15 या 18 मिनट तक या सुनहरा होने तक बेक कर लें। ग्लेज बनाने के लिए एक प्याली में आइसिंग शुगर, मक्खन, वनीला एक्सट्रैक्ट और थोड़ा सा दूध मिलाएं और आमेजा तैयार करें। अब इसे बेक किए हुए रोल पर फैला दें। लीजिए, हमारा मजेदार सिनेमन बन तैयार है।